गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और भाई अभी हम लोग खड़े हैं अलीगढ़ कानपुर हाईवे प्रोजेक्ट्स पे, और अभी जिस लोकेशन पे हम लोग खड़े हैं वो लोकेशन है चौबेपुर बाईपास। ये जो अपना लोकेशन आप लोग देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा चौबेपुर बाईपास। तो अभी हम लोग चौबेपुर बाईपास के स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े हैं, और यहाँ से चौबेपुर बाईपास अपना स्टार्ट होता है। इसके आगे अगर आप लोग सीधे ही निकल जाएंगे इस रोड से तो ये अपना चौबेपुर मार्केट में होता जाएगा। अभी जो हम लोग नया हाईवे कंस्ट्रक्शन किए हैं ये बाईपास होते हुए गया है, ये चौबेपुर एरिया को पूरा छोड़ के गया है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा चौबेपुर थाने के पास से है चौबेपुर बाईपास का, और एंडिंग पॉइंट आरएसपीएल फैक्ट्री के पास है। तो लगभग दोस्तों अभी एक महीने के अंदर, मतलब इस मंथ के अप्रैल के एंडिंग में चौबेपुर बाईपास अपना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोग कानपुर से हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और भाई कानपुर हाईवे का मैं अपडेट हमेशा लाता रहता हूँ। जो कन्नौज से लोग आ रहे हैं उनके लिए हमारा ये रास्ता रहेगा। तो अगर आप लोग अभी नए कन्नौज से आ रहे हैं तो ये रास्ता भी रहेगा आपको। आगे लेफ्ट साइड में आके डाइवर्ट हो गया है, अभी कुछ ट्रैफिक कानपुर के साइड से आने वाली स्टार्ट हो गई हैं। और भाई करेंट सिचुएशन है चौबेपुर थाने का वो इतना रह गया है, मतलब हमारी ये जो वॉल है ना, ये वाली वॉल यहाँ तक बची हुई है, मतलब लगभग 100 मीटर की वॉल हमारी अभी पेंडिंग बची है चौबेपुर थाने की। तो ये वाली बिल्डिंग तोड़ने के बाद हम लोग लगभग लेफ्ट साइड का पूरा करेजवे निकाल लेंगे, और राइट साइड के करेजवे से भी हम लोग टेम्प्रोरी ट्रैफिक्स डाइवर्ट कर दिए हैं। तो सेफ्टी का भी ध्यान रखें, सेफ्टी के लिए कैश बैरियर भी लगा दिया गया है। इधर करब के पीछे बैक फिलिंग करके सॉयल कर दिए हैं जिससे करब टूटे ना। तो इतनी वॉल और अभी कर लेंगे, दो चार दिन के अंदर यहाँ तक हम लोग टॉप बना लेंगे, मतलब पूरा डीवीएम करके यहाँ तक काला कर लेंगे। बट ये जो सिचुएशन है ना, ये चौबेपुर थाने का कंस्ट्रक्शन जो पीछे के साइड चल रहा है उसको कंप्लीट होने के बाद ही इस सिचुएशन को हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। तो इधर अपना रोड मार्किंग का भी काम हो गया स्टार्ट। तो रोड मार्किंग का जब काम होने लगता है ना भाई, तो आप इतना माइंड में सेट कर लीजिए कि ये रोड चालू ही होंगे। तो अब अपना हाईवे लगभग 80% कम्प्लीट हो चुका है, 20% काम जो है वो मंदना के साइड बचा हुआ है, क्योंकि उधर सॉयल नहीं मिल रही है और लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम की वजह से ही उधर काम अभी डीले है। तो लगभग अपना मंदना तक कंप्लीट है हाईवे, जल्दी इस मंथ के एंडिंग में ही अपना मंदना तक हाईवे स्टार्ट हो जाएगा और पब्लिक के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो ये रोड मार्किंग अपना स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं ये वाइट पट्टी, ये इसको हम लोग इसको बोलते हैं साइनेस, मतलब इसके आप लोग अगर अंदर ही गाड़ियाँ ट्रैफिक चलेंगी, इसके अगर आप लोग बाहर जाते हैं तो ये खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि करब के अंदर टच हो सकती है। तो भाई ये रोड मार्किंग की अपनी मशीन है, अभी टीम अभी रोड मार्किंग की लंच पे गई है, तो ये लगभग अभी चालू कर देंगे हम लोग आधे घंटे के बाद। तो ये मार्किंग जो पट्टी पड़ रही है ये दोनों साइड पड़ के फिर हम उसके लेन डिवाइड कर देंगे, जो अपना आरीवाल जितने बने हैं वो 6 लेन में डिवाइड हो जाएंगे। तो और जो मेन करेज जो नीचे हैं अपने रोड से वो 4 लेन है। तो अपना ये जो प्रोजेक्ट है ये 4 लेन का है, बट जितने स्ट्रक्चर आरीवाल और पुल जितने भी ब्रिज बने हैं वो 6 लेन के बने हैं। यहाँ से जितनी आगे तक आप लोग को हाईवे दिख रहा है ना, ये मेरे द्वारा ही बनवाया गया है, मतलब सभी इंजीनियर्स की साइड अलग अलग होती है। तो मेरी साइड से ये है कैंप के सामने, ये अपना कैंप है, इधर ये जो दिख रहा है ये पोजीशन ना, ये अपना कैंप है पूरा। तो इतनी जो साइड अपनी कंप्लीट कराई गई है ये मेरे द्वारा कराई गई है, चौबेपुर बाईपास के लगभग मैं काम करवाता हूँ। तो इतना लगभग अपना 1.5 से 2 किलोमीटर का लीड मैंने कंप्लीट कराया है, लगभग अपने लीड भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 5% केवल थाने वाला एरिया जो काम बचा हुआ वही बचा हुआ है, उसके बाद ये अपना चौबेपुर बाईपास पूरा कंप्लीट। साथ ही साथ आप लोग को दिखाऊंगा रोड की मार्किंग कैसे की जाती है, किस मशीन से की जाती है, कैसे इसको हिट किया जाता है। ये जो मार्किंग होती है ना, ये हमारी गाड़ियों को ये दिखाने के लिए होता है कि इसके आउटर में हमें चलना नहीं है। तो अपने मीडियन के साइड भी हो गई मार्किंग, टो के साइड भी ये मार्किंग करा रहे हैं। ये जो पट्टी होती है चमकती है, ये रिफ्लेक्टर का काम करती है। रात में ना, ये अगर रात में जब लाइट जलती है गाड़ियों की व्हीकल्स की, तो ये वाइट पट्टी काफ़ी जलती रहती है।
तो अपने लेफ्ट साइड के कैरेज में ये जो गैप्स है ना, इन गैप्स को भरने के लिए मिट्टी से अभी एक गाड़ी मिट्टी इसमें पूरी गिरवा देंगे यहाँ तक। उसके बाद और इधर अपना काम जो चल रहा है, ये काम चल रहा है फिक्सन स्लैब के बीच में गैप, जो ये जो जॉइंट्स है ना, ये जॉइंट्स इनके बीच में गैप्स होते हैं, तो इनको क्या जूट की बोरी भर के इसमें सीमेंट कंक्रीट से हम लोग प्लास्टर कर देते हैं, तो ये बीच के गैप्स एकदम पूरी अच्छी प्रकार से पैक्स हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग पेंटिंग का काम कराते हैं। तो पहले ये मिट्टी गिरवाएगा अली इधर से लास्ट यहाँ तक, उसके बाद इनमें मंगा के गेडर ग्रेडिंग करा देंगे। आज धूप काफ़ी है और हवा काफ़ी तेज़ी से चल रही है, इसके वजह से थोड़ी साउंड में प्रॉब्लम भी आ रही होगी सुनने में।